एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल बिगिनर लेवल का मेकअप। नाउ वेडिंग सीजन जो है वो आने वाला है, दिवाली जा चुकी है एंड आई एम रियली सैड क्योंकि मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपकी दिवाली भी अच्छी गई होगी। सो अब जो सीजन आएगा वो है वेडिंग सीजन का। तो नाउ अब शादी आऊंगी बहुत सारी और हमें ऑफकोर्स मेकअप तो करना ही होगा शादियों में। बट अगर आप बिगिनर हो और आपको मेकअप नहीं करना आता है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है और आप इजिली मेकअप सीख सकते हो। नाउ ऑफकोर्स मैं क्योंकि आपको मेकअप बता रही हूँ, सारे स्टेप्स बता रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट करके मत बोलना कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस में कमेंट आ रहा है आप कितना बोलते हो। बट यार अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कि कैसे करना है, राइट? तो चलो जोक्स असाइड, नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो और देखते हैं कैसे करना है सिंपल इजी क्विक बिगनर लेवल का मेकअप। बट बिफोर दैट लाइक कर देना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर, छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, इतनी क्यूट सी बेचारी सी बेल है प्लीज उसको हिट कर देना, ठीक है? आपका भला होगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट यू गाइस, तो मेकअप स्टार्ट करने के 5 से 10 मिनट पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उसके ऊपर मेकअप अप्लाई करना है तो आपकी स्किन जो है वो इरिटेट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो बहुत ही बुरा लग सकता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लो। हाँ, सेकेंड थिंग, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिप बाम अप्लाई जरूर कर लेना, क्योंकि जब लिप्स ड्राई हो जाते हैं तो आपकी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल चैप लगने लगती है और आपके लिप्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट। क्योंकि आज का मेकअप बिगनर लेवल का होने वाला है तो मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप्स करूंगी, बट वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू अप्लाई प्राइमर। तो नाउ प्राइमर आपके स्किन के इश्यूज को रिजॉल्व तो करता ही है, बट सेकंड थिंग कि प्राइमर आपके मेकअप को भी लास्ट लॉन्ग करता है और आपकी स्किन को प्रेप कर देता है मेकअप के लिए। ऑल्सो क्योंकि आज हम वेडिंग सीजन को माइंड में रखते हुए मेकअप कर रहे हैं, तो क्योंकि वेडिंग्स में यू नो अगर हम डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारा मेकअप जो है हमारे फेस के ऊपर स्टे रहे, तो प्राइमर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका प्रेप मी अप प्राइमर, दिस इज अमेजिंग, ये हर स्किन टाइप को रिजॉल्व कर देगा, तो डू ट्राई दिस वन। तो आपको जस्ट इतना सा प्राइमर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तो यू कैन टेल कि ये प्राइमर जो है बहुत टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल थोड़ी सी है। को फिंगर्स के अंदर रब करना है ऐसे करके ताकि ये वार्म अप हो जाए, यानी कि थोड़ा सा गर्म और पतला हो जाए जिससे कि, एंड देन रब करने के बाद हम इसको अपने पोर्स के एरिया पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पोर फिल हो जाए और जब हम फाउंडेशन लगाएं तो फाउंडेशन बिल्कुल स्मूथली अप्लाई हो जाए। एंड मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी ताकि एक्चुअली मेरे पोर्स के अंदर प्राइमर फिल हो जाए। एंड जो भी रेस्ट होगा उसको आप फेस के ऊपर अप्लाई कर लो, एंड स्पेशली जहां पे आपका मेकअप ज्यादा क्रीज होता है। नाउ एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत सारा प्राइमर भी नहीं अप्लाई करना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर का होता है, तो अगर आप बहुत सारा अप्लाई कर लोगे तो आपका फाउंडेशन ही स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा और टिकेगा ही नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करना है, बट करना जरूर है। अब क्योंकि मेरी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी अपने एक्ने एरिया पे, बट अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है या फिर आपके फेस के ऊपर कोई भी इशू नहीं है तो आप ये वाले स्टेप को बिल्कुल स्किप कर देना। मैं स्पॉट कंसील करूंगी और कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पैक की डर्मा रिफिल, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत ही प्रोफेशनल और हाई कवरेज की कंसीलर है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी है। आपको बहुत सारा नहीं अप्लाई करना है, जो जो मेजर इश्यूज हैं बस उसके ऊपर अप्लाई करना, जो थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन होती है वो फाउंडेशन से भी कवर हो जाती है। एंड ये जो स्पॉट्स हैं ये सारे जो है फाउंडेशन से भी कवर हो जाएंगे, तो आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। एंड नाउ मैं फिंगर की हेल्प से लाइटली इसको डैप कर लूंगी, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करूंगी वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल लाइटली इसको ब्लेंड कर लो। तो अब आ रही फाउंडेशन अप्लाई करने की, मैं अप्लाई कर रही हूँ पैक का फाउंडेशन। ना फाउंडेशन आपको अपनी एग्जैक्टली स्किन टोन के हिसाब से लेना है, आपको वन शेड लाइट या डार्क आप ले सकते हो, बट उससे ज्यादा अगर आप अगर चेंज कर लेते हो फाउंडेशन टोन तो वो बहुत फेक लगता है और नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ना ये जो पैक का फाउंडेशन है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो अगर आपकी ड्राई या फिर ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन कैसी भी स्किन टाइप होगी ये उसके ऊपर चल जाएगा, प्लस इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और स्टे भी बहुत अच्छा है।
तो आपको ऐसे फाउंडेशन लेना है थोड़ा सा एंड देन उसको वार्म अप कर लेना है. इससे क्या होगा, अगेन वार्म अप करने से प्रोडक्ट जो है वो मेल्ट सा होने लग जाता है और बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी में हो जाता है, जो कि अप्लाई करना इजी भी होता है. एंड देन मैं इसको डॉट कर लेती हूँ इस तरीके से फेस के ऊपर, ताकि मेरे हर फेस के पार्ट के ऊपर फाउंडेशन हो और कोई भी ऐसा पार्ट ना रह जाए जो कि अलग से दिखे और पैची लगे. And always start with the center of your face. अपने फेस के सेंटर से स्टार्ट करके आपको उसको आउटवर्ड ब्लेंड करना होता है, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना चाहिए. एंड हाँ, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहे हो, स्वाइप नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, हमेशा उसको डैप करना है. एंड ऑलवेज ब्लेंडेड इन योर हेयर लाइन, अपनी हेयर लाइन के साथ भी इसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक अलग से मास्क लगेगा. तो ऑलवेज गो इन योर हेयर लाइन. नेक्स्ट जब हम अपने फेस को पाउडर से सेट करेंगे, नाउ बीच में एक और स्टेप आता है विच इज हाईलाइटिंग कंसीलर, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो हम उसको आज स्किप कर देंगे क्योंकि हम बेसिक मेकअप कर रहे हैं. तो अब आती है बारी इसको सेट करने की, ताकि मेरा फेस जो है वो फाउंडेशन जो है वो मेरे फेस से कहीं बिना जाए फेस पे ही रहे. तो उसके लिए मैं यूज करूंगी लॉरियल मैट मजीक पाउडर, ये मेरा फेवरेट पाउडर है. अगर आपको ट्राई करना है नया पाउडर तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो, नहीं तो आप अपना कोई भी फेवरेट पाउडर यूज कर सकते हो. नाउ ड्राई स्किन वालों के लिए आपको जस्ट अपने अंडर आईज के ऊपर और अपनी स्माइल लाइंस के ऊपर पाउडर अप्लाई करना है. ऑयली स्किन वाले पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. नाउ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, मैं जस्ट अपने अंडर आईज के ऊपर और अपने स्माइल लाइंस के ऊपर अप्लाई करूंगी एंड अंडर आईज के ऊपर अप्लाई करूंगी, जो कि एरिया मेरा सबसे ज्यादा क्रीज होता है. एंड थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो ये लाइन बनती है, तो कभी कभार फाउंडेशन वापस सेटल होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऑलवेज यहाँ पे हमेशा पाउडर से सेट कर लो. एक और चीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसीलर और फाउंडेशन की दो लेयर्स अप्लाई किया है एंड आई डोंट वांट कि यहाँ से मेरा फाउंडेशन हटे, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक्नेज है, तो मैं यहाँ पे भी पाउडर को अप्लाई कर लूंगी. ओके, अब हम आईब्रोज को फिल करेंगे. नाउ क्योंकि आईब्रोज फेस को फ्रेम करती हैं, वो आपके फेस को यंगर दिखाती है. तो अगर आपकी आईब्रोज थोड़ी सी स्पार्स होती है तो फिर आपका फेस थोड़ा सा डल डल लगता है, बट अगर ब्राइट होती है, नहीं ब्राइट नहीं, बट अगर डार्क होती है तो फिर आपका फेस यंग लगता है. ओके, नाउ वी आर गोना अप्लाई माय फेवरेट पार्ट विच इज ब्लश. मुझे ब्लशेस और हाइलाइटर्स अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे आपके चीक्स और फेस बहुत ही फ्रेश लगता है, आपका फेस बहुत ही यंग और यूथफुल लगता है. तो ब्लश के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. इसके अंदर आपको हाईलाइटर्स भी मिल जाएंगे और ब्लशेस भी मिल जाएंगे, तो टू इन वन काम हो जाएगा. प्लस ब्लशेस के भी बहुत सारे शेड ऑप्शंस है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन. इसमें आपको एक ही लेनी है और आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे. 6 ब्लशेस मिल रहे हैं और 2 हाइलाइटर्स मिल रहे हैं. एंड ये जो हाइलाइटर, ये वाला शेड है, ये एज अ ब्लश टॉपर है. तो आप अगर चाहते हो कि आपके पूरा फेस ही शाइन करे, अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपका फेस पूरा शाइन कर रहा है, तो दीज आर द ब्लश टॉपर्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हो ब्लशेस के ऊपर. ये दोनों कलर्स मिक्स करूंगी, पिंक और पीच. इन दोनों का मिक्सचर बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड देन स्माइल. और ब्लशेस को हमेशा ऊपर से अप्लाई करना चाहिए, नीचे से नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका एरिया ये वाला एरिया के ऊपर अप्लाई हो. अगर आप नीचे से अप्लाई करोगे तो आपके चीक्स बिल्कुल सैग लगेंगे, तो अगर आप ऊपर से ऐसे करके अप्लाई करोगे तो अपलिफ्टेड लगता है. एंड देन मैंने अप्लाई कर लिया एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी. एंड वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज कि जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, यू कैन जस्ट रन इट ऑन योर नोज, जो कि बहुत ही क्यूट सा लगता है. बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम ढेर सारा लाल भी नहीं करना है, चलेगा कोल्ड हो गया बट थोड़ा सा. हम लगाएंगे हाईलाइटर, और हाईलाइटर भी मैं इसी पैलेट से ही पिक कर रही हूँ, ये वाला कलर. नाउ चाहे आप बिगनर हो चाहे कुछ भी, हाईलाइटर जरूर अप्लाई करना, क्योंकि हाईलाइटर बहुत ही प्रिटी लगता है, आपकी स्किन हेल्दी लगती है उससे. तो हाइलाइटर को हमेशा आपको इस एरिया पे अप्लाई करना है जो कि आपके फेस का एकदम हाईएस्ट पार्ट है उसके ऊपर. यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर चीक्स
नोज के ऊपर, ब्रिज ऑफ योर नोज पे. ओके, तो अब बारी आती है आई मेकअप करने की. और आई मेकअप के लिए मैं सिर्फ दो आई शेडोज यूज करके आपको आई मेकअप करना सिखाऊंगी आज. तो उसके लिए मैं यूज करी है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट. बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस भी है इसके अंदर. तो आज मैं यूज करूंगी ये दोनों कलर्स. पहले मैं ये पीच कलर को पिक करके अपनी क्रीज के अंदर अप्लाई करूंगी. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है. तो अगर आपको क्रीज के अंदर आई शेडो अप्लाई करना है तो उसके लिए फ्लफी ब्रशेज यूज होते हैं. तो पहले हम कलर को पिक कर लेंगे. एंड ऑलवेज गो फॉर मैट कलर्स इन योर क्रीज. हमेशा क्रीज में मैट कलर्स ही यूज होते हैं. इस तरीके से पिकअप करके उसको एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर लेना, वरना वो फेस के ऊपर गिरेगा. तो आपको ऐसे नीचे देखना है एंड देन ये अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करना है. तो ये जो फोल्ड होती है आईलिड यहाँ पे, इस फोल्ड को आपको फॉलो करना है. जस्ट लाइक दिस. एंड इतना नीचे तक नहीं जाना है आपको एंड इतना अंदर तक नहीं जाना है. जस्ट यहीं पे ही आपको स्टॉप कर देना है. तो अब मैं सेम कलर को ही अपने आउटर वी के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, इससे कि मेरी आईज को थोड़ा सा डेप्थ मिलेगा. सो नाउ क्रीज के ऊपर आई शेडो अप्लाई करने के लिए आपको इस टाइप के फ्लैट ब्रशेस यूज करने होते हैं. अगर आप चाहते हो आपका कलर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, यानी कि बहुत ही ब्राइट सा दिखे, तो आप अपने ब्रश को गीला भी कर सकते हो. तब जो ना पिक अप द कलर अगेन, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर लेंगे ताकि फेस के ऊपर ना गिरे. एंड इसको नाउ मैं अपनी आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी. सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली अप्लाई हो गया. बट अगर मैं अपने ब्रश को गीला करूंगी तो इफेक्ट और ज्यादा आएगा. एंड देन इस एरिया के ऊपर जो मेरा आउटर वी है, जहाँ पे मैंने कलर को डैप किया था, उसके साथ मैं ऐसे इसको ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. सो दैट्स इट फॉर माई आई मेकअप. नाउ मैं डायरेक्टली मस्कारा अप्लाई करूंगी. बट हाँ, अगर आपको काजल या फिर आई लाइनर अप्लाई करना है आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर, मेरे आई शेप के ऊपर काजल और आई लाइनर सूट नहीं करता है, इसीलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ. उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट मस्कारास, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है. तो इसलिए मैं इसको फटाफट अप्लाई कर लूंगी. एंड लास्टली लिपस्टिक के लिए, अगर आपका आई मेकअप लाइट है तो आप डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आपका आई मेकअप बहुत लाउड लग रहा है तो आप हमेशा लाइट कलर की लिपस्टिक अप्लाई करना, अदरवाइज आपका मेकअप बहुत ही लाउड हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. नाउ क्योंकि हमारा आई मेकअप बहुत ही सटल सा है, बहुत ही नेचुरल सा है, तो इसीलिए मैं रेड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो आपका मेकअप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे बट आप अपने आई मेकअप के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आपको या तो आई मेकअप नहीं आता है करना, तो ऑलवेज गो फॉर अ लाउडर लिपस्टिक. थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर लो लिप्स में, उससे अटेंशन सारी लिप्स के ऊपर आ जाएगी और आपको कोई आईज पे इतना ध्यान ही नहीं देगा और आपका काम हो जाएगा. फॉर लिपस्टिक आई एम गोना अप्लाई माय फेवरेट रेड कलर. दिस इज बाय मैक एंड दिस इज कॉल्ड रिलेंटलेसली रेड. बट अगेन आपको यही कलर नहीं अप्लाई करना है. आप कोई भी अपनी फेवरेट रेड लिपस्टिक या फिर पिंक लिपस्टिक या कोई भी आप कलर अप्लाई करो, आप अपना फेवरेट लिप पर अप्लाई कर सकते हो. आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना. इतनी क्यूट सी बेचारी सी बेल है, प्लीज उसको हिट कर देना, ठीक है, आपका भला होगा. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और टिकटॉक. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.